हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के 20 वन लाइनर कम से कम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो देख लेते हैं आज के पहले प्रश्न से, लोकसभा में SC ST आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद 330। जैसे आपने उत्तराखंड में देखा है 5 सीटें हैं जिनमें से एक सीट आरक्षित है, वो है अल्मोड़ा की SC सीट, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी उसके अलावा आरक्षित नहीं है, ना कोई ST है ना OBC है। इसी तरह विधानसभा में SC और ST को आरक्षण है। फिर अंडमान निकोबार का न्याय क्षेत्र किस हाईकोर्ट के अधीन है। तो देखो, सबसे पहले जो हाईकोर्ट स्थापित हुआ है भारत में वो है कलकत्ता हाईकोर्ट सन 1862 में, और उसी के अधीन है पोर्ट ब्लेयर, यानी जो अंडमान निकोबार का न्याय क्षेत्र है वो कलकत्ता हाईकोर्ट में आता है, और यही पहला हाईकोर्ट भी है इंडिया का 1862। फिर लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र कहाँ है। तो यह है लक्षद्वीप जो है वो केरल हाईकोर्ट के अधीन है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 34 जज हैं, ठीक है, 34, यानी 33 तो अन्य जज हो जाएंगे, 33 और एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था। तो ये 69 यानी 69वें क्रम का संशोधन था 1991 का, इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। भारत में बहुसंख्यक समुदाय, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है, यानी किस धर्म की आबादी सर्वाधिक है। अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह से पूछा जा रहा है, तो यह है हिंदू धर्म। देखो बहुसंख्यक है, हिंदू को छोड़ के सभी क्या है, अल्पसंख्यक है, ठीक है, जिसमें मुस्लिम, जैन, पारसी, यहूदी ये सभी आएंगे। फिर लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में। तो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब बात करते हैं आरक्षित सीटें कहाँ हैं। सर्वाधिक SC सीटें भी उत्तर प्रदेश में, लेकिन सर्वाधिक ST सीटें ये MP में। तो सर्वाधिक SC जनसंख्या भी आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश, और सर्वाधिक ST जनसंख्या भारत में है मध्य प्रदेश यानी MP। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो ये राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, क्योंकि राज्यसभा के ही सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है सीमा प्रबंधन विभाग तथा आंतरिक सुरक्षा किस मंत्रालय के अधीन होता है। सीमा प्रबंधन तथा आंतरिक सुरक्षा, तो ये दोनों है गृह मंत्रालय। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है लद्दाख। संविधान संशोधन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, और यह कहाँ से ली गई। तो ये दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया है, और आर्टिकल है 368 यानी 368 में। एक EVM मशीन में कितने अधिकतम प्रत्याशियों को रखा जा सकता है। तो अधिकतम जो है उसमें 64 को स्थान दिया जा सकता है, ठीक है, उसके लिए 4 बैलेटिंग यूनिट्स का उपयोग किया जाता है। मौलाना आज़ाद फेलोशिप किस वर्ग के लिए चलाई जाती है। मौलाना आज़ाद जो फेलोशिप दी जाती है वो अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद ये है प्रधानमंत्री। महिला आयोग के अध्यक्ष को कौन नामित करता है। तो केंद्र सरकार ही महिला आयोग के अध्यक्ष को भी नामित करती है। अनुच्छेद 43B में क्या है। 43B यह है कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियां। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार हुए 1993 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग कब बना। सतर्कता आयोग यह बना है 1964, और इस आयोग को बनाने के लिए संथानम के द्वारा सिफारिश की गई थी, ठीक है। तो सतर्कता आयोग जो है के संथानम आयोग यानी के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर ही सतर्कता आयोग 1964 में बना है। किसने कहा था कि भारत की जनता स्वयं अपने भाग्य का निर्धारण करेगी, अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। तो 1922 में यह कहा था गांधी जी ने, ठीक है, और भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, यह भी गांधी जी ने बोला है। आजादी के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। वैसे तो आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन आजादी के बाद तो 31 अक्टूबर 1947 संविधान सभा की पहली बैठक।
संविधान सभा ने कुल कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कुल अलग अलग कार्यक्रमों के लिए 13 समितियां नियुक्त की गई थी। ठीक है, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को की गई। ठीक है, तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए। धन्यवाद।